जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरे पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी हो रही है और इसकी वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो शीतलहर के चलते हर तरफ सिर्फ ठंड ही ठंड है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी हो रही है, इसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मनाली, लाहौल, डलहौजी, किन्नौर सहित सभी पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ गिर रही है। यहाँ तो हमने पहली बार देखा स्नोफॉल होती हुई है, बहुत अच्छा नजारा है, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे मतलब मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे और मैंने फर्स्ट टाइम ही स्नोफॉल ये सारा कुछ देख लिया तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हिमाचल प्रदेश का केलांग सबसे सर्द इलाका बना हुआ है। डलहौजी में न्यूनतम तापमान -1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है तो कुफरी में तापमान -0.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अजी वार्निंग जो है वो हाई रिचेस वाले एरिया पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे रहेगी। पिछले 24 घंटों में क्लाउडीनेस की वजह से रात के टेम्परेचर 102 डिग्री राइज किए, लेकिन जो सबसे कम तापमान है वो किलोंग में -7 डिग्री जो रिकॉर्ड किया गया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण के काम पर असर पड़ा है, वहां तापमान -3 से -4 डिग्री तक पहुंच गया है। केदारनाथ में रात के 1 बजे से तेज बर्फबारी चल रही है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बद्रीनाथ में भी बर्फबारी हुई है और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के दूर दराज क्षेत्रों में अगले 36 घंटों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। हैवी स्नोफॉल है उसके लिए बोला है, जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, तो उनमें एका दुका जगहों में भारी बर्फबारी भी आपको देखने को मिलेंगी। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत में भी अगले 36 घंटों में ओले गिरने की आशंका जताई गई है।